नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, मैं मिलान फर्टिलिटी सेंटर दिल्ली एंड गुड़गांव के साथ गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। ये PCOS ठीक कैसे होता है? एक्चुअली PCOS का ट्रीटमेंट देखें, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। PCOS के ठीक होने के दो ही मेथड्स हैं, या तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तब एक तरह से हमारी बॉडी में एक रीसेट बटन दब जाता है जिसकी वजह से हमारे सारे हॉर्मोन्स रीसेट हो जाते हैं। तो या तो 70% केसेस में वो तब ठीक हो सकता है, या फिर जब आपकी एज 35 साल क्रॉस कर जाए, बिकॉज जब आप 35 साल की हो जाएंगी तब उसके बाद आपके बॉडी में, आपकी ओवरी में अंडों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। सो तब PCOS ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है बॉडी में से। तब तक आपके PCOS को कंट्रोल किया जा सकता है, बट ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक सर्जिकल मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं PCOS ड्रिलिंग। इसमें जो आपकी अंडेदानी होती है उसमें कुछ छेद कर दिए जाते हैं जिससे जो एक्सेसिव हार्मोन है वो बाहर निकल आता है और PCOS की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि यदि वो ड्रिल ज़्यादा हो गया या गलत जगह पे हो गया तो आपकी ओवरी को डैमेज हो सकता है। इसीलिए वो एक ऐसा मेथड है जिसे हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। यदि आपको PCOS की वजह से कंसीव करने में या प्रेगनेंसी में परेशानी हो रही है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शरीर में अंडा बन ही नहीं रहा है। जब अंडा बनेगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगी कैसे? इसीलिए आपको थोड़ा सा मदद लेने की ज़रूरत है कंसीव करने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको डिफरेंट मेथड्स या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता सकते हैं जिसके बेसिस पे आप अंडा बना सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं जस्ट अंडा बना के, या फिर आप IUI करा सकते हैं, या फिर अगर आपका PCOD बहुत ख़राब है या कुछ और भी एडिशनल हार्मोनल बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो आप IVF करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम PCOD रिलेटेड इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।